हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और अगर आप न्यू हो तो पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज का टॉपिक, इससे पहले की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है शेयर्स के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने ये बताया है कि बेसिक शेयर्स की जनरल एंट्री कैसे की जाती है। उसके बाद मैंने बताया है कि अगर कोई जनरल एंट्री में प्रीमियम का केस आ जाए तो कैसे करना है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस पढ़ते हैं, और आज का जो पॉइंट होगा जिसमें हम ये पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर का मतलब अगर हम देखें तो मैं अपना पहले ये ब्लैक बोर्ड निकाल लेता हूँ। देखो, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है अगर कोई भी शेयर होल्डर जिसने शेयर ले रखा है, अब उसने शेयर ले तो लिया बट वो नॉट पे, ही या शी डज नॉट पे, डज नॉट पे मनी कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। मतलब जैसे सपोज करो ये मिस्टर ए है, इसने जियो के शेयर्स खरीदे, ठीक है, इसने 5 शेयर खरीदे, इसने 5 शेयर खरीदे और एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये थी। दोनों अगर 5 शेयर्स खरीदे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5,000 रुपये, यानी इसने 5,000 रुपये एक तरीके से देने थे। और अगर ये फेल हो गया है पे करने से, तो हम यहाँ पर कंपनी जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्या, कॉल्स इन एरियर, कि भैया ये बंदा अब हमें पैसा नहीं दे पाएगा, इसलिए हम इसको डिक्लेयर कर देते कॉल्स इन एरियर कि इसका पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। तो कॉल्स इन एरियर समझ में आया कि जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता, शेयर ले लेता है लेकिन पैसा नहीं दे पाए, तो उस केस में हम कॉल्स इन एरियर रहते हैं। अब कॉल्स इन एरियर कहाँ हो सकता है, तो याद रखना जब भी हम कॉल्स इन एरियर करेंगे, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, जब भी हम कॉल्स इन एरियर करेंगे तो याद रखना कॉल्स इन एरियर की शुरुआत कहाँ से होती है। याद रखना कभी भी एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन आप शेयर के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, इसलिए कॉल्स इन एरियर यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। जो कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है अलॉटमेंट से, ठीक है, फर्स्ट कॉल से एंड फाइनल कॉल से, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कह लो, साथ में ही अलग अलग कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कॉल्स इन एरियर शुरू हो सकता है, एप्लीकेशन में कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं होता, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन का पैसा नहीं देगा इसका मतलब वो शेयर नहीं खरीद रहा, बाकी इन सब केसों में कॉल्स इन एरियर हो सकता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस, सीन एडवांस। अभी एडवांस क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा दे दे, सपोज करो ये मिस्टर बी था, इसके पास 500 शेयर थे, ठीक है, और एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। अब ये बंदा किसी काम से बाहर चला गया, अब बाहर चला गया तो इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, कंपनी को पहले ही इसने एडवांस दे दिया पूरा का पूरा पैसा, यानी जब इससे या तो ये एप्लीकेशन में या तो अलॉटमेंट में और या तो फर्स्ट कॉल में, ठीक है, याद रखना। अगर वो एप्लीकेशन में एडवांस दे रहा है तो इसका मतलब उसने एडवांस जो दिया है वो इसका दिया है और इसका दिया है इन केस ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, याद रखना। और अगर वो अलॉटमेंट में एडवांस दे रहा है तो वो अलॉटमेंट में एडवांस कौन सा दे सकता है, आगे वाली चीज़ का मतलब, या तो वो फर्स्ट कॉल का एडवांस दे रहा है और फाइनल कॉल का एडवांस दे रहा है, ठीक है। और अगर उसने फर्स्ट कॉल में एडवांस दिया है तो वो कौन सा एडवांस माना जाएगा, वो जो उसने फर्स्ट कॉल में एडवांस दिया है आगे के फाइनल कॉल के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि कितना अमाउंट वो पे करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर आपका जो केस है वो कॉल्स इन एडवांस है, यानी जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा देता है तो उसको हम कॉल्स इन क्या कहते हैं। तो यही कहानी यहाँ लिखी है कि इफ शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट या और एनी कॉल्स अकॉर्डिंग टू द टर्म द अमाउंट नॉट रिसीव अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्स इन एरिया, ठीक
ठीक है, या कह सकते हो अनपेड या अमाउंट अकाउंट अलॉटमेंट। ये लंबी चौड़ी कहानी है, आप बस यहाँ तक लो। आप कॉल्स इन एडवांस का भी देख लो। अ कंपनी में इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल्स एंड कॉल नॉट इट मेड द अमाउंट रिसीव इन एडवांस कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में देता है। अब इसके रिगार्डिंग जो कि मेरी ये वीडियो थी वो ये थी कि ये चेक करना कि कॉल्स इन एरर के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, तो उसका हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। कॉल्स इन एरर का टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कॉल्स इन एरर। तो कह रहा है मैक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 5000 शेयर 10 ईच जिसमें प्रीमियम है 2। इतनी कहानी हम मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख लेता हूँ ताकि अपने को समझ में आए कि ये क्या कह रहा है। कि मैक लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए, दोबारा से हम पीछे चलते हैं। 5000 शेयर 10 ईच, ओके, जिसमें 2 प्रीमियम है। 5000 शेयर 10 ईच एंड उसमें जो प्रीमियम है आपका वो 2 है। इसका मतलब टोटल मिला के हो गया 10 प्लस 2 यानी 12। अब 12 को कितना कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले रहा है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ कह रहा है एप्लीकेशन में 2 है, अलॉटमेंट में 5 है और फर्स्ट कॉल में 3 है। चलिए 2 5 3, तो ये चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3। 2 5 3 और आगे का लिख दिया कि बैलेंस जो है वो यहाँ पर है फाइनल कॉल में। यही आपका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका अलॉटमेंट हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉल हो गया और ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो अगर आप चेक करो कितना हो जाएगा, 2 5 2 7 3 10, इसका मतलब फाइनल कॉल में कितना आएगा, 2। और कह रहा है कि जो अलॉटमेंट है यहाँ पर प्रीमियम लिया गया, तो चलिए एक बार इसका मतलब यहाँ जो 2 रुपये प्रीमियम है 3 प्लस 2 यानी ये जो प्रीमियम है वो यहाँ लिया गया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम इसको 2 अलग भागों में बांट रहे हैं कि अलॉटमेंट का रेट अलग और प्रीमियम का रेट अलग। अब फटाफट इसकी जनरल एंट्री करते हैं एंड देन अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। आगे एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पब्लिक अप्लाइड 5000 शेयर, ठीक है, पब्लिक ने पूरे के पूरे 5000 शेयर खरीदे। ऑल मनी ड्यूली एक्सेप्ट, सारे के सारे पैसे रिसीव हो गए। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर एक्सेप्ट यानी छोड़कर, फर्स्ट एंड फाइनल यानी सर्वे पैसे आ गए सिवाय 100 शेयर के जो कि उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। पास दी जनरल एंट्री। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। उसने 100 शेयर के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, ये भी लिख देता हूँ कि 100 शेयर होल्डर था जिसने ना ही फर्स्ट कॉल दिया और ना ही फाइनल कॉल दिया, बस ये याद रखना है। अब जब हम एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले स्टार्टिंग की एंट्री तो आपको आती है एप्लीकेशन की, आप एंट्री कर लेंगे इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाए एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का रेट है 2 और शेयर कितने थे पूरे के पूरे 5000, तो 5000 × 2 कितना हो गया जी 10000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और सेम अमाउंट आपका 10000 एंड 10000 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी शेयर अलॉटमेंट की हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और इसमें प्रीमियम लिया गया है, तो जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तो शेयर कैपिटल के नीचे आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, जिसमें टोटल 5 रेट है ना, तो टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे 25000। कैसे आया 5000 × 5 जिसमें प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में चला जाएगा, तो 10000 यहाँ चला जाएगा और 15000 यहाँ चला जाएगा। 10000 मतलब
कि 5,000 के रेट से 2 रुपये प्रीमियम थे तो यहाँ चला जाएगा, तो बाकी का पैसा बचा वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। यहाँ तक तो आपको आता है। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल में, जहाँ से अपना काम यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कि 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो जब हम शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 3 का रेट है तो 15,000 आ गया, 5,000 × 3 15, यहाँ तो पूरा 15,000 आएगा। लेकिन जब हम बैंक की एंट्री करेंगे वहाँ पर आपने लिखना है कि पैसा कितना रिसीव हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपका रिसीव नहीं हुआ, वो मैंने क्या कहा, जितना शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा, और बाकी कितना आना था ये देखते देयर फर्स्ट कॉल। अब इस जनरल एंट्री का मतलब है टोटल 15,000 रुपये आने थे जो कि ड्यू हुए थे इस, और जिसमें से 100 शेयर होल्डर ऐसा था जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जिसका रेट था 3। फर्स्ट कॉल का रेट कितना था, 3 था। 100 शेयर होल्डर, इसका मतलब है 300 रुपये नहीं आए, तो 15,000 रुपये में से 300 रुपये नहीं आए तो कितने रुपये आए होंगे, 14,700। ऐसे ही हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो उसमें लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसका रेट 2 था तो 5,000 × 2 कितना हो गया, 10,000, क्योंकि 5,000 शेयर था और 2 का रेट था फाइनल कॉल का। नहीं है तो मैं यहाँ दिखा दूँ, ये रहा फाइनल कॉल का रेट 2 था। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और वो दोनों फेल हो गया, फर्स्ट कॉल में भी पैसे नहीं दिए और फाइनल में भी नहीं दिए। तो फाइनल की जब जनरल एंट्री करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, शेयर फाइनल कॉल, सॉरी शेयर फाइनल कॉल। तो टोटल 10,000 रुपये आने थे जिसमें से 100 शेयर होल्डर ने 2 के रेट से नहीं दिया, इसका मतलब 200 रुपये नहीं आए, तो 10,000 में से 200 रुपये नहीं आए तो कितने आए, 9,800। तो ये टॉपिक जो आपका कॉल्स इन एरियर का था, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री कैसे करनी होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रो राटा के लिए। यानी जब हम 8 मार्क्स का एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और इसकी जनरल एंट्री प्रॉपर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप अगली वीडियो में कॉल्स इन एडवांस की वीडियो देख सकते हैं, या आगे का जो है परचेज कंसीडरेशन का टॉपिक कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी एक तरीके से बेनिफिट हो, और मेरे लिए भी ये होगा कि चलो आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो शेयर और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।